हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कोप विद के बारे में, कि कोप विद जो स्ट्रक्चर है इसका इस्तेमाल किस सिचुएशन में करेंगे। आइए देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, कोप विद जब भी आप बोलेंगे तो कोप विद के बाद कोई ना कोई सिचुएशन आना चाहिए। वो कोई भी सिचुएशन हो सकता है और क्या कोई डिफिकल्टीज हो उसे आप दिखाएंगे। कोप विद का जो इस्तेमाल है हिंदी में देखिए तो इसका मतलब है डटकर मुकाबला करना। अंग्रेजी में देखें तो टू एंड्योर समथिंग अनप्लेजेंट और अनडिजायरेबल, जो कि अच्छा नहीं है, कुछ ना कुछ बुरा है, अनप्लेजेंट है या अनडिजायरेबल है, जिसका इंसान डिजायर नहीं करता, उस तरह की कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है और उसका आप डटकर मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं, तो वहां पर आप कोप विद का इस्तेमाल करेंगे। कैसे? तो देखिए एक दो चार सेंटेंसेज है, जैसे कि आई कांट कोप विद एनी मोर ट्रबल, यानी कि अब और भी कोई ट्रबल अगर आ जाए तो मैं उसका अब सामना नहीं कर सकता। आई कांट कोप विद एनी मोर ट्रबल। तो कांट कोप विद यानी कि मैं अब सामना नहीं कर सकता, मुकाबला नहीं कर सकता, उसे फेस नहीं कर सकता। यहां मुकाबला करने का मतलब है कि आप एकदम लड़ जाते हैं, जूझते रहते हैं उससे, दैट इज कॉल्ड कोप विद। देखिए, यू विल हैव टू कोप विद दिस सिचुएशन। अब कोई सिचुएशन है, आप उसे भाग नहीं सकते, आपको सिचुएशन का डटकर मुकाबला करना होगा, तो यू विल हैव टू कोप विद दिस सिचुएशन, ऐसे आप बात करेंगे। एक और देखिए, आई एम रेडी टू कोप विद एनी स्ट्रेस। अब अगर कोई स्ट्रेस है, आप कह रहे कि भाई स्ट्रेस तो होते रहते, तो आई एम रेडी टू कोप विद एनी स्ट्रेस। आप किसी कंपनी में जाएंगे, वहां स्ट्रेस होगा, प्रेशर होगा, तो आप उसको कोप विद यानी कि उसका सामना करने के लिए आप तैयार हैं, तब आप कोप विद का इस्तेमाल करेंगे। आई एम रेडी टू कोप विद एनी स्ट्रेस एनी थिंग। आई कांट कोप विद हर बिहेवियर। किसी का बिहेवियर ऐसा है कि अब उसका आप सामना नहीं कर सकते, अब बस चाहते कि बस खत्म हो जाए सब कुछ, यार मैं निकल जाऊं, तो अब वहां कहेंगे आई कांट कोप विद हर या हिज बिहेवियर। तो एक छोटा सा वीडियो में लाया था कोप विद के बारे में। अगर आप राइटिंग करते हैं तो रिटन इंग्लिश में भी इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू गाइस।